अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि ये हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, तुम्हारी हैंडसमनेस, तुम्हारी ब्यूटी को नहीं देखता और ना ही तुम्हारे माल को देखता है, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला के लिए कितनी मोहब्बत है और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल देखते हैं। तो इस दिल को किसी और की मोहब्बत से भरने का क्या फायदा, इस दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह ताला की दीन की मोहब्बत होनी चाहिए। और ये दुआ नोट कर लें, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इनको अपनी दुआओं में ऐड करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाहु अकबर, क्या बेहतरीन दुआ है, दिल से मांगे, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, وحب من يحبك, और ए अल्लाह मैं उन लोगों की मोहब्बत का भी सवाल करता हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उन नेक लोगों की मोहब्बत का भी सवाल करते हैं, ए अल्लाह जो आपके सालेहीन बंदे हैं, आपके जो नेक बंदे हैं, मुझे उनसे भी मोहब्बत हो जाए, اللهم إني أسألك العمل الذي يبلغني حبك, ए अल्लाह मैं आपसे ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो मैं करूँ और मैं आपकी मोहब्बत तक पहुँच जाऊँ। सुभान अल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल दुआ।